नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंपकॉम्स आईपीओ के बारे में। दोस्तों, बेहतरीन आईपीओ है एक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में रोजरी बायोटेक आईपीओ जो आपने देखा था, जबरदस्त लिस्टिंग गेन प्राप्त हुआ था। और साथ ही साथ आज जो है हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ, इसमें भी जबरदस्त लिस्टिंग गेन प्राप्त हुआ है इन्वेस्टर को। यहाँ पर देखते हैं 165 रुपये का आईपीओ, देखते हैं 373 रुपये पर लिस्ट हुआ, मतलब फर्स्ट डे 371 रुपीज का प्राइस, इतना जबरदस्त रिटर्न प्राप्त हुआ। तो इन्वेस्टर काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं आईपीओ के बारे में, काफी ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अब जो है आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में जो कैंपकॉन आईपीओ है स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का, इसमें भी काफी जबरदस्त इन्वेस्टर की रुचि आपको देखने मिलेगा। देखते हैं ये आईपीओ का डिटेल है, यहाँ पर आप टाइम टेबल देखते हैं। कैंपकॉन आईपीओ टेंटेटिव डेट जो 21 सितंबर को ये ओपन होने वाला है और 23 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 21, 22 और 23, तीन दिन। और इश्यू का जो टाइप है बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ, तो मतलब बुक यहां पर बिल्ड किया जाएगा कंपनी का। सारे डिटेल आप जो है यहां पर पढ़ सकते हैं, आप गूगल में जैसे सर्च करेंगे आपको कोई भी पेज ओपन होता है आईपीओ का, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं, या यहां पर आप वीडियो में भी जान सकते हैं। और इसका जो यहां पर देखें फ्रेश इश्यू इसमें है इतना इक्विटी शेयर का 448,52,000 का, और टोटल जो इश्यू साइज है वो है 93,92,000 इक्विटी शेयर का। यहाँ पर देख सकते हैं 318 करोड़ का कुल इश्यू है और इसमें कुछ ऑफर फेयर सेल है, कुछ फ्रेश इश्यू है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपया होगा, आईपीओ प्राइस जो है 338 रुपीज से 340 रुपीज होगा। तो जो इसका कट ऑफ प्राइस है 340 रुपीज, इसी पे आपको अप्लाई करना है, क्योंकि उससे नीचे के प्राइस पे मिलने वाला है ही नहीं। जब कट ऑफ प्राइस पे हमें नहीं मिलता है, हमने भी हैप्पीएस्ट माइंड रूट मोबाइल के लिए अप्लाई किया, IRCTC के लिए अप्लाई किया, कोई भी आईपीओ नहीं मिला। तो दोस्तों, लक पे डिपेंड करता है ये जो हमारा लॉटरी सिस्टम होता है, हम सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, अब मिलेगा या नहीं मिलेगा ये हमारे लक पर, मतलब लॉटरी सिस्टम पे डिपेंड करता है। मिनिमम ऑर्डर जो आप कर सकते हैं 44 शेयर का, जो लॉट साइज है NSE और BSE दोनों पर लिस्ट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ऑफर क्लोज 23 सितंबर और जो अलॉटमेंट मिलेगा आपको 28 सितंबर को, जो रिफंड होगा आपका वो 29 सितंबर को, और जो क्रेडिट होगा शेयर डीमैट अकाउंट में वो 30 सितंबर को और 1 अक्टूबर को ये स्टॉक्स लिस्ट होगा। तो दोस्तों, अगर 21 को अप्लाई करते हैं तो 10 दिन में देख सकते हैं, अगर आपको मतलब 100% का भी लिस्टिंग देता है तो 100% का रिटर्न मात्र 10 दिन में आपको प्राप्त हो जाएगा। इतना बेहतरीन ऑफर कभी भी आपको नहीं छोड़ना है। अगर डीमैट अकाउंट अभी भी नहीं आपके पास, तो डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और आईपीओ के लिए अप्लाई कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप लॉट साइज 44 का है, तो एक साइज मतलब एक लॉट के लिए आप अप्लाई करते हैं 14,960 रुपये आपको लगेगा। अगर मैक्सिमम जो है रिटेल इन्वेस्टर, वह 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 572 शेयर होगा और 1,94,480 रुपये आपको मतलब 13 लॉट के लिए पड़ेगा। तो मैक्सिमम इतना आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो अभी 100% है, और इश्यू के बाद जो प्रमोटर्स का होल्डिंग होगा वो सेबी के रूल के अनुसार होगा 74.47। तो ये था आईपीओ का डिटेल, कब आईपीओ आ रहा है, किस तारीख तक आप अप्लाई करते हैं, कब ये लिस्ट होगा। अब हम चलते हैं कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन, तो कंपनी के बारे में आप जरूर इन्फॉर्मेशन ले लें, कंपनी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लें, कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगा उसे कहाँ यूज करने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं कंपनी स्ट्रेंथ, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिकल अक्रॉस द ग्लोब, मतलब जो ग्लोब है हमारा, जो ग्लोबल मार्केट है उसमें लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है फार्मास्यूटिकल केमिकल का, और जो ऑयल फील्ड केमिकल है उसका लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है इंडिया में, और बहुत सारे यहाँ पर देखते हैं डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट जो इसमें डाइवर्सिफाइड क्लाइंट है इनके, स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ ईच प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट के जो डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लान है। तो ये सारे चीज़ें इस कंपनी के बारे में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मिलियन में है, मिलियन को 10 से डिवाइड करना है तो आपको करोड़ में आ जाएगा। तो 2017 में मात्र प्रॉफिट 2 करोड़ का था, 2018 में देख सकते हैं कि इसको 10 से डिवाइड कीजिए 26 करोड़ हो गया प्रॉफिट, तो देख सकते हैं कितना जंप हुआ, 1300% का प्रॉफिट में जंप, 1300% का प्रॉफिट में जंप एक साल में। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए 26 करोड़ से डायरेक्ट हो गया हमारा 43 करोड़, यहाँ पर भी प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा जंप हुआ। आप फिर यहाँ पर देख सकते हैं मार्च 20 में यहाँ पर हो गया 48 करोड़, तो लगातार देखते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है इंक्रीज हो रहा है।
मतलब कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू देख लीजिए कंपनी का काफ़ी इंक्रीज हुआ है। जैसे 626 था मात्र 2017 में, यहाँ पर हो गया 2257 करोड़। तो कंपनी काफ़ी ग्रोइंग स्टेज में है, तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इश्यू, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पर्स में कंपनी जो फंड रेज करेगी, ऑफर फॉर सेल है, इसमें प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचेंगे, साथ साथ जो फ्रेश इश्यू है तो उसका क्या किया जाएगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज किया जाएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है कंपनी का, जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाएगा और जो कॉरपोरेट पर्पस है उसको पूरा किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब कंपनी अपना पूरा करने वाली है इस आईपीओ के द्वारा जो फंड रेज करेगा, साथ साथ ऑफर फॉर सेल है, मतलब प्रमोटर्स अपना कुछ स्टेक 25% के आसपास बेच रहे हैं। तो दोस्तों ये था आईपीओ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। इसी तरह जो आने वाले और सारे आईपीओ है उसके बारे में भी हम आपको इस चैनल पर बताते रहेंगे। तो आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिए, और वैसे आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिए जो कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग है और कंपनी का बिजनेस काफ़ी बेहतरीन है, बिजनेस मॉडल काफ़ी बेहतरीन है, ताकि आपको लिस्टिंग गेन अच्छा खासा प्राप्त हो सके। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली आप बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।